ब्रेड पकौड़ा छोटों से लेके बड़े सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। आज मैं बिना ब्रेड के ब्रेड पकौड़ा आपको सिखाने वाली हूँ। ये ब्रेड पकौड़ा बहुत ही टेस्टी और बढ़िया तैयार होते हैं। ब्रेड पकौड़ा बच्चों को बहुत पसंद आता है और आप इस प्रकार की रेसिपी बना के बच्चों को सर्व कर सकते हैं। और बिना ब्रेड के भी हम ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं, वो रेसिपी मैं सिखा रही हूँ। तो चलिए ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए जो पकौड़े का आउटर लेयर है वो पहले वो बना लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं 1.5 कप चने का आटा ले लेती हूँ। चने का आटा जिसे बेसन भी कहा जाता है, मैंने बेसन को छान लिया है। आप बेसन में से कोई भी रेसिपी बनाएं तो बेसन को पहले छान लीजिए। जिस नाप से हमने बेसन लिया था वही नाप से मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। मैं पहले 1 कप पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जब भी घोल बनाएं तभी इस प्रकार से धीरे धीरे करके पानी ऐड कीजिए, जिससे इसमें लम्स नहीं बनेंगे और घोल बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड पकौड़े के लिए जो आउटर लेयर होता है वो हर एक के घर में अलग प्रकार से बनता है। मैं मेरे घर में जैसे तैयार होता है वो आपको सिखा देती हूँ। अगर आपको इस प्रकार का ब्रेड पकौड़े का आउटर लेयर नहीं पसंद है, थोड़ा मोटा पसंद है, तो आप इसमें केवल 1 कप ही पानी डालिए। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे ढक के साइड में रख देती हूँ। आप जब भी इस प्रकार से रेसिपी तैयार करें तभी हमेशा इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दीजिए। इससे बेसन बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है और बहुत बढ़िया घोल तैयार होता है। अब हम आलू का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट ले ली है। मैंने 5 आलू ले लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। मैं उसे कट कर लेती हूँ जिसे मुझे आसानी होगी इसे मैश करने के लिए, या तो फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद है वैसे आप इसे तैयार कीजिए। 1 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट, 1/2 कप धनिया। मेरे पास धनिया अभी था तो मैंने डाल दिया है, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, चाट मसाला डालने से ये चटपटा होता है और बहुत ही टेस्टी लगेगा। 1 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। चाट मसाले में भी नमक होता है तो नमक आप थोड़ा सावधानी पूर्वक ऐड कीजिए। सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने इसे रोटी में स्टफ करके सबको पराठा बना के सर्व किया तो भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। हमारा आलू का मिश्रण तैयार हो चुका है। आलू का जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब हम ब्रेड पकौड़ा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारे घर पे रोटियां अक्सर बच जाती हैं, तो मैंने रोटी ले ली है। उसके ऊपर हमने जो आलू का स्टफिंग बनाया है उसे मैं लगा देती हूँ। थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में आलू के स्टफिंग को लगाएंगे जिससे पकौड़ा बहुत ही बढ़िया लगेगा। दोस्तों अभी मेरे घर पे जो मीठा चटनी होता है नहीं है, तो मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल देती हूँ। सॉस को मैं आलू के स्टफिंग के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ। दोस्तों लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में जो भी हमारे पास घर में इंग्रेडिएंट्स है वही इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके हम रोज अलग अलग नाश्ता बना सकते हैं और अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देती हूँ और इसे हल्के हाथों से दबा देंगे। इसे कट कर लेंगे। आपको जो भी शेप में पसंद है वो शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। मैं इसके वेजेस कट करने वाली हूँ। मैंने सारी रोटियों को कट कर लिया है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने जो बेसन भिगोया था वो भी तैयार हो चुका है, इसे चेक कर लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए। थोड़ी सी मैं हल्दी डाल देती हूँ, नमक स्वाद के अनुसार। 1 टीस्पून अजवाइन, मैं जब भी पकौड़ा बनाती हूँ तभी उसके बैटर के अंदर अजवाइन जरूर से डालती हूँ, इससे पकौड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको अजवाइन पसंद ना हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिश्रण तैयार हो चुका है। जब आप पकौड़ा बनाने को लें तभी आप इसके अंदर 1/8 टीस्पून खाने का सोडा डालें। जब भी आप पकौड़ा बनाने के लिए इसे लें तभी आप इसमें सोडा का ऐड कीजिए, और ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप डालिए। पर सोडा डालने से अगर आप पकौड़े ठंडे भी खाएंगे तो आपको ड्राई नहीं लगेंगे। पकौड़े के लिए जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो पकौड़ा तैयार किया है इसे मैं पूरा इसमें डिप करूंगी और फिर मैं इसे तलूंगी। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं चेक कर लेती हूँ तेल गर्म हुआ है कि नहीं। हाँ दोस्तों, ये गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ा तैयार कर लेते हैं। अब हमने जो पकौड़ा तैयार किया है उसे मैं घोल के अंदर डिप करके इसे तल लेती हूँ। हमें इसे मीडियम आंच के ऊपर तलना है। अगर आपने इसे स्लो आंच के ऊपर तला तो पकौड़े बहुत ही ऑयली हो जाएंगे। तो जब भी आप पकौड़ा तले तभी इसे मीडियम आंच के ऊपर तलिए। पकौड़े तैयार हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया और सुंदर तैयार हुए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे पकौड़े तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे पकौड़े तल लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तैयार हुए हैं और सब जगह से अच्छे से तले गए हैं। जब आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें ब्रेड का उपयोग नहीं किया है। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। मेरे पास अभी तीखा चटनी और स्वीट चटनी नहीं है तो मैं इसे केवल टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपके पास तीखा चटनी और खजूर का चटनी हो तो आप दोनों चटनियों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। हमारे ब्रेड पकौड़ा रेसिपी जिसे हमने बिना ब्रेड के बनाए हैं वो बनके तैयार है। आप इस लॉकडाउन में बनाइए और अपने सारे घर वालों को खुश कर दीजिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।